कोविड 19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए संभल जिला प्रशासन ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखने और मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें कि अचानक तेजी से के साथ कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, जिसे देखते हुए देश के पीएम मोदी और सीएम योगी ने मास्क और सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने के साफ निर्देश जारी किए हैं। संभल के डीएम संजीव रंजन ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केरल महाराष्ट्र सहित कोरोना ग्रस्त राज्यों से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जाएगी, सभी का पहले टेस्ट कराया जाए, इसके अलावा सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने साफ कहा कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई के लिए सचेत रहें। अभी जो फिलहाल हम लोग की कोशिश ये है कि जो बाहर से अगर कोई महाराष्ट्र इत्यादि से लोग अगर कोई आ रहे हैं तो उनकी जरूर से जरूर टेस्ट कराया जाए। इसके लिए रेलवे स्टेशन पे हम लोग टीम बनाएंगे और बस स्टैंड पर भी जांच करा रहे हैं, पूछे कि इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और साथ में बिल्कुल सभी लोग से ये अपील किया जाता है कि हम लोगों ने जो मास्क और सामाजिक दूरी का पालन पहले से करते आए थे उसको दोबारा से हम लोग की बिल्कुल स्ट्रिक्टली करें। अदरवाइज कुछ दिनों के बाद अभी तो जागरूकता के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी अगर मास्क इत्यादि नहीं लगे रहेंगे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में।